मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे जीएस आज तक, ठीक है, जीएस आज तक एकेडमी यूट्यूब चैनल को, ठीक है, एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके तैयारी से संबंधित वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तैयारी से संबंधित मतलब जनरल स्टडी से संबंधित मॉक टेस्ट, ठीक है, मॉक टेस्ट और इसके अतिरिक्त मॉक टेस्ट, जनरल स्टडी, जीके जीएस वगैरह और करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ यहाँ पे जो भी वीडियो होता है वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से, तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित, जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी अर्थात बीएसपी पीएचसीएल में कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का बहाली आया है और अन्य सारे पदों पर भी बहाली आया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और इस जॉब प्रोफाइल में हम लोग चर्चा करेंगे 5-6 तथ्यों पर, जिसमें पहला तथ्य होगा कि इनकी रिक्रूटमेंट कौन करती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट कौन करता है, मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है। दूसरा, हम लोग यह बात करेंगे कि इनका कैडर क्या होगा, ठीक है, कैडर का क्या होगा और डिपार्टमेंट कौन सा होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट कौन सा होगा। तीसरा, हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा। ठीक है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन होगा, मतलब आपको कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल कौन करेगा। चौथा, हम लोग यह जानेंगे कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। ठीक है, और चौथा के बाद हम लोग पाँचवा जानेंगे कि प्रमोशन के क्या स्कोप है। ठीक है, प्रमोशन के क्या स्कोप है। और छठा, हम लोग ये चर्चा करेंगे कि आपको क्या काम करना पड़ेगा, वर्क प्रोफाइल क्या है। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोग पूरे बारीकी से समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहला जो हम लोग तथ्य है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई आपका रिक्रूटमेंट कौन करने जा रहा है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कौन करने जा रहा है, मतलब बहाली कौन करने जा रहा है। तो बहाली आपको कौन करेगी, ये याद रखिएगा, बीएसपीएचसीएल। ठीक है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड जो है वो आपका रिक्रूटमेंट करने जा रही है। और ये किसकी अनुसंगी है कंपनी है, ये बिहार सरकार के अंदर काम करती है। ठीक है, बिहार सरकार के अनुसंगी कंपनी है और ये बिहार सरकार के किस विभाग के अंतर्गत काम करती है, ये बिहार सरकार का उपक्रम है और ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करती है। तो सबसे पहला बात हो गया कि आपका रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, बीएसपीएचसीएल कर रहा है, पावर होल्डिंग कंपनी कर रहा है। दूसरा बात हो गया कि कैडर क्या होगा। देखिए, कैडर स्पष्ट रूप से ये जान लीजिए कि अगर हम लोग कैडर की बात कर ले तो आपका कैडर होने जा रहा है बिहार कैडर। बिहार कैडर मतलब स्टेट कैडर। और स्टेट कैडर में होता क्या है कि आपकी ट्रांसफर और पोस्टिंग जो होता है, ट्रांसफर और पोस्टिंग जो होता है, ये पूरे बिहार में कहीं भी किया जा सकता है। मतलब पूरे बिहार में कहीं भी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, इवन गृह जिले में भी इसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, गृह जिले भी आपको मिल सकते हैं, गृह जिले में भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो कैडर आप समझ गए। अब है कि कैडर के बाद आपने एक और डिपार्टमेंट्स की बात की थी, तो तीसरा पॉइंट हम लोग डिपार्टमेंट की ओर जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट आपका कौन है। देखिए, डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट आप देख लिए, ये है आपका बिजली विभाग। ठीक है, बिजली विभाग है और ये बिजली विभाग किसके अंतर्गत काम कर रही है, ये है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत। ठीक है, सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम कर रही है, सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। आपके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके योगदान तक आपको वही देना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए वही जिम्मेदार होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात कर ले, तो जो हमें रिक्रूट करता है वही कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल करेगा बिहार सरकार। और बिहार सरकार किसके अंतर्गत करेगा, ये सामान्य प्रशासन विभाग अर्थात जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जीएडी आपको कंट्रोल करेगी, यही आपके ट्रांसफर पोस्टिंग और हर तथ्यों के लिए जिम्मेदार होगी। ठीक है, अब बात हो गया, आपने अब तक 4 तथ्यों को अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम लोग अगले तथ्य की ओर आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी का चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा प्रोबेशन पीरियड को समझ लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का है। ठीक
ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड को अगर आपका 2 साल पूरा जाता है प्रोबेशन पीरियड का, लेकिन अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि इनकी प्रोबेशन में जो वर्क स्टाइल था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो ये प्रोबेशन पीरियड आपको 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। फिर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर 2 वर्ष आपका ये प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड में आपको मात्र 9,200 की सैलरी मिलेगी, अर्थात सिर्फ 1 ईयर, ठीक है, याद रखिएगा ये 9,200 की सैलरी आपको 1 ईयर मिलेगी। जैसे ही आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड, जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट कर लेंगे, 1 वर्ष आपका प्रोबेशन पीरियड का खत्म हो जाएगा, तब आपका जो मूल सैलरी है लेवल 5 का वो मिलेगा। तो मूल सैलरी आपका लेवल 5 है, ये 7th पे कमीशन के अनुसार, ठीक है, 7th पे कमीशन के अनुसार। लेकिन अगर 6th पे की बात कर ले तो आपका बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगा 2800 ग्रेड पे का, ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है, 2800 ग्रेड पे का बेसिक हो जाएगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि लेवल 5 का बेसिक क्या होता है और कौन कौन से भत्ता वगैरह आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेवल 5 के मतलब बेसिक की बात कर लें, तो देखिए इनका बेसिक जो होगा वो मूल रूप से आपको समझने वाली तथ्य यह है कि बेसिक इनका कितना होगा। तो बेसिक देखिए, बेसिक हम बात कर लेते हैं, बेसिक इनका हो जाएगा 29,000, ठीक है, 29,200 से लेकर के इनका बेसिक हो जाएगा। लेकिन अगर पे बैंड की बात करेंगे तो बेसिक इनका जो 29,200 से शुरू होगा और 92,300 तक इनका ये पे बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो पे बैंड समझ गए। अब आपका बेसिक सैलरी कितना हो गया, 29,200, ठीक है, 29,200 बेसिक सैलरी होगा। इस पर आपको डेयरनेस अलाउंस DA मिलेगा, मेडिकल अलाउंस, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस TA मिलेगा, HRA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस, तो ये सभी अलाउंस आपको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात कर ले तो अभी 50% DA है, तो आपको इन हैंड सैलरी जो है लगभग आप देखेंगे 30, 15, 45 और लगभग आपको 50,000 के आसपास में सैलरी मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ द प्रोबेशन पीरियड। आप 1 साल प्रोबेशन पीरियड के समाप्त हो जाएंगे तो लगभग 45,000 से 50,000 के आसपास में आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो सैलरी स्मार्ट सैलरी है ये, सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है सैलरी के मामले में, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड के 1 साल का जो सैलरी है वो मात्र 9,200 रुपये ही है। लेकिन जैसे ही आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा आप मूल वेतन में आ जाएंगे और आपको परमानेंट जॉब हो जाएगी। कंप्लीशन जैसे रेगुलर पे मिलने का मतलब यही हो गया कि आपका जॉब जो है वो रेगुलराइज्ड हो जाएगा, लेकिन प्रोबेशन पीरियड तब भी 1 साल आपका बचा हुआ रहेगा, आपको सेटिस्फैक्ट्री जॉब परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो सैलरी आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो देखिए यहाँ जो आपका पद है इसमें प्रमोशन के कुछ अच्छे खासे स्कोप नहीं दिखते हैं, ठीक है। प्रमोशन की बात कर ले तो प्रमोशन में आपको कुछ अच्छे खासे स्कोप नहीं होंगे। प्रमोशन जो है जनरली देखा जाता है तो आपका प्रोबेशन, तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड कितना है, 2 वर्ष और प्लस 5 वर्ष के प्रोबेशन के 5 वर्ष के बाद ही आपके प्रमोशन पर विचार किया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 वर्ष बाद आपकी पहली प्रमोशन हो सकती है। और ये कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का जो पद है वो सीनियर कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का पद हो जाएगा। कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क से सीनियर कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क का पद हो जाएगा और कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क के बाद ये पहला जो आपका 7 वर्ष का जो पीरियड है उसमें आप सीनियर कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क बन जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा वो मतलब आपको वहाँ का जो हेड क्लर्क बन जाते हैं, हेड क्लर्क आप बनेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नेक्स्ट 10 ईयर आपको हेड क्लर्क बनने में लग जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए प्रमोशन के अच्छे खासे स्कोप नहीं है, क्लर्कियल पोस्ट है, आप क्लर्क ही रहेंगे, बशर्ते आपके क्लर्क के डेजिग्नेशन में थोड़ा बहुत चेंजेज हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको जो MSCP, ठीक है, MSCP और ACP का जो लाभ होता है वो मिलेगा। मतलब ये सैलरी इन्हांसमेंट जो है आपको प्रत्येक जो 10 वर्ष के बाद सैलरी इन्हांसमेंट होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हालांकि सैलरी में भी आप देखेंगे तो सैलरी में भी वर्ष में 2 बार आपके डियरनेस अलाउंस बढ़ते हैं और प्लस 1 बार आपको इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट एज पर 7th पे कमीशन चार्ट के अनुसार आपको इंक्रीमेंट 1 बार मिलता है। तो कुल मिलाकर सैलरी बढ़िया है, प्रमोशन के भी ठीक ठाक स्कोप है। इसको सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो जॉब आपको एकदम शांतिपूर्ण बिना किसी ज़्यादा जिम्मेदारी का और बिना किसी दबाव का ये आपका जॉब है।
और आप यहाँ अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने नौकरी को कर सकते हैं, आप अपनी नौकरी को अच्छे से निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क का। देखिए, वर्क आपके नाम से ही स्पष्ट है कि आप क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क है, मतलब विभाग, ठीक है, विभाग और जितने भी आपके मतलब वरीय, ठीक है, वरीय विभाग हैं, या फिर मतलब यूं समझ लीजिए कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करना है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है कि चिट्ठी पत्री जो भी आती हैं, जो भी लेटर्स वगैरह हैं, उसका जवाब तैयार करना, जवाब को उसके गंतव्य तक पहुंचाना, और इसके अतिरिक्त आपको जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसका संधारण करना, ये सभी कॉरेस्पॉन्डेंस का काम आपको करना पड़ेगा। साथ साथ बिजली विभाग के द्वारा जो बिल जेनरेट किए जाते हैं, बिल में जो इशू आते हैं, उससे भी संबंधित आपका काम है, ठीक है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, बढ़िया काम है, अच्छा काम है, शांतिपूर्ण काम है, और ज़्यादा वर्कलोड वाला काम भी नहीं है, तो ठीक ठाक आप बढ़िया से अपने जॉब को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपने जॉब प्रोफाइल को अच्छे से देख लिया है, फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।